morning, children. Here is the poem, The Kite, written by Harry Behan. Harry Behan, born in Arizona in US. And it is a short melodious poem. And Harry Behan wrote and translated poetry for children. बच्चों के लिए उन्होंने कई कविताएं लिखी हैं और उनकी व्याख्या की है हैरी बेहन ने. तो ये बहुत ही मधुर कविता है. यह एनसीईआरटी की बुक सिक्स्थ क्लास हनीसकल से ली गई है. द काइट. हाउ ब्राइट ऑन द ब्लू इज अ काइट व्हेन इट्स न्यू. ब्राइट, चमकीली, रंग बिरंगी. ऑन द ब्लू, ब्लू मैंने यहाँ आसमान है. इज अ काइट व्हेन इट्स न्यू, जब पतंग नई होती है. एक नई पतंग नीले आसमान में सुंदर व रंग बिरंगी दिखाई देती है. विद अ डाइव एंड अ डिप इट स्नैप्स इट्स टेल. यहाँ पर टिप स्नैप्स का मतलब है शोर के साथ चलना. विद अ डाइव एंड डिप, ऊपर व नीचे गोता लगाते हुए अपनी पूंछ, टेल अपनी पूंछ को आवाज के साथ हिलाती है पतंग. सबने पतंग उड़ाई है, तुमने एक बार सब बच्चों ने पतंग उड़ाई होगी और यह नोटिस किया होगा कि पतंग कैसे साउंड करती है जब वह आसमान में उड़ती है. Then soars like a ship with only a sail. Soars माने होता है ऊंची उड़ती है और sail माने पाल. वह then soars like a ship with only a sail. एक पाल के सहारे ही वह चलती है, उड़ती है जैसे एक जहाज. ship जैसे एक जहाज समुद्र की लहरों पर एक पाल के सहारे चलता है, वैसे ही वो भी चलती है. As over tides of wind it rides, climbs to the crest of a gust and pulls. Tides हवा के झोंके, rides सवारी करती है, climbs चढ़ती है, crest लहर की चोटी, gust हवा की तेज लहर. तो इसका अर्थ ये हो गया, वह हवा की लहरों पर सवारी करती है और हवा के झोंकों व खिंचाव से पतंग शिखर पर पहुंच जाती है. Then seems to rest as wind falls. Seems मने प्रतीत होता है, दिखाई देता है, लगता है. Rest मने आराम, थमती है, विश्राम कर रही है. As wind falls, falls मने बंद हो जाती है. फिर वह जब विश्राम करती प्रतीत होती है, जब हवा थमती है, हवा रुक जाती है तो पतंग भी रुक जाती है उड़ना, वह नहीं उड़ पाती है. तो वह ऐसे लगती है जैसे वह थक गई है उड़ते उड़ते, विश्राम कर रही है. When string goes slack, you wind it back and run until a new breeze blows and its wings fill and up it goes. String, door, wind, dhili, wind, lapetna, slack, dhili, breeze, hawa ka jhonka. Yani ki, when string goes slack, jab tumhari patang udate udate door dhili pad jati hai, tab tum usko tum वाइंड करना शुरू कर देते हो, लपेटना शुरू कर देते हो और दौड़ते हो जहां पर की एक अच्छी हवा चल रही हो. जहां पर अच्छी हवा चल रही हो तभी पतंग उड़ेगी, तो वहां को तुम दौड़ना शुरू कर देते हो. और एंड इट विंग्स फिल एंड अप इट्स गो, जैसे ही पतंग में हवा भरती है फिर वो आसमान में दोबारा उड़ने लगती है. हाउ ब्राइट ऑन द ब्लू is a kite when it new, but a ragged thing you never will see when it flaps on a string in the top of a tree. Ragged means अधिक गंदी व फटी हुई.
फ्लैप्स मीन फड़फड़ाती है और स्ट्रिंग मीन्स टो. तो हाउ ब्राइट इन द ब्लू इज अ स्काई काइट व्हेन इट्स न्यू, ये पहली ही लाइन है. दोबारा, एक नई पतंग बहुत चमकीली लगती है जब आकाश में उड़ती है. किंतु बट जब यह डोर से बंधी किसी डोर से बंधी हुई किसी पेड़ पर, टॉप ऑफ द ट्री, पेड़ पर फड़फड़ाती है, फ्लैप्स मने फड़फड़ाती है, तब इससे रैगेजर अधिक शोभनीय दृश्य कोई नहीं होता. तो इस प्रकार से द काइट इज अ मेलोडियस पोयम रिटन बाय हैरी बेहन.